सलमान खान किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में ही रहते हैं। वही सलमान खान हमेशा अपने हाथ में एक ब्लू कलर के स्टोन को लेकर, जो ब्रेसलेट उन्होंने पहना हुआ है उसे लेकर भी वो सुर्खियों में रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि सलमान खान बॉलीवुड में बड़ा नाम है, वह जो भी करते हैं ट्रेंड बन जाता है और लाखों लोग उन्हें ही फॉलो करते हैं। वही एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने अपने ब्रेसलेट के पीछे की कहानी का खुलासा किया। एक पुराने इंटरव्यू की बात करें तो इसके अंदर सलमान खान से उनके ब्रेसलेट के बारे में पूछा गया तो एक्टर ने कहा, मेरे पिता यानी सलीम खान हमेशा इसे पहनते थे, उनके हाथ में ये कूल लगता था, बच्चे जिस तरह चीज़ों से खेलते हैं मैं उनके ब्रेसलेट से खेला करता था। जब मैंने काम करना शुरू किया तब उन्होंने मुझे ठीक वैसा ही ब्रेसलेट गिफ्ट किया। इस पत्थर को फिरोज़ा कहते हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ दो ही लिविंग स्टोन हैं, एक अकीक और दूसरा फिरोज़ा, जिसे हम इंग्लिश में टर्कोइज भी कहते हैं। मेरे पास फिरोज़ा है। इसके अलावा सलमान खान ने यह भी बताया कि ब्रेसलेट में ब्लू कलर का ये स्टोन नेगेटिविटी महसूस कर सकता है। ऐसे में जब भी उनके साथ कुछ नेगेटिव होता है तो ये पत्थर अपने आप उस नेगेटिविटी को अपने ऊपर ले लेता है और टूट जाता है। सलमान ने यह भी कहा कि इस वक्त उनका ये सातवां पत्थर है। इससे पहले 7 बार उनके ऊपर ऐसी गाज आई है कि इस पत्थर ने ही उस पूरी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लिया है। नेगेटिविटी जैसे इसके पास आती है यह टूट जाता है और उसके बाद उन्हें स्टोन चेंज करना पड़ता है। पिछले काफ़ी समय से सलमान खान की कोई फिल्म पर्दे पर धमाल मचाने में कामयाब नहीं हो सकी। ऐसे में फैंस उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बता दें कि सलमान शाहरुख की फिल्म पठान में भी कैमियो करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा साथ ही वो अपनी हिट फ्रेंचाइजी टाइगर जिंदा है कि अगले किस टाइगर 3 में कैटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे। इस फिल्म में इमरान हाशमी भी अहम भूमिका में है। साथ ही सलमान कभी कभी दिवाली में भी काम कर रहे हैं, जिसका नाम भाईजान रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के बाद जो है एक्ट्रेस की शूटिंग के बाद एक्ट्रेस के साथ में जब पूरे कैरेक्टर्स की शूटिंग होने के बाद वो बिग बॉस के अंदर भी जल्द ही शूटिंग करने वाले हैं। बहरहाल आप लोग कितने एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए और बिग बॉस के लिए कमेंट करके बताएं, और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।